सो हे गाइस, कैसे आप लोग सब ठीक रहोगे? सो गाइस, आज मेरा क्या बताओ, बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ मेरे फ्रेंड के पास, जिसने मेरी बहुत हेल्प किया मेरे चैनल वापस लाने के लिए। आप लोग ने शायद नोटिस किया रहेगा कि मैंने इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाला, एंड मैं कमेंट पढ़ पढ़ के मैं रोज़ टेंशन में आता था, यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं रहा था, मेरा चैनल हैक हो गया था यार, क्या बताओ। अभी एक मैंने तो बहुत सारा ट्राई किया था, बट सीन ऐसा था ना कि मेरा चैनल का नाम था प्रिंस व्लॉग एंड मेरा नाम कुछ अलग है, तो मैं क्लेम ही नहीं कर पा रहा था कि ये चैनल मेरे से ही बिलोंग करता है, क्योंकि वो लोग के पास आधार कार्ड ये सब देना पड़ता है डिटेल, तो उसमें मेरा नाम ही नहीं मैच हो रहा था। एंड जो मेरा नंबर था वो मेरा नंबर भी दूसरा नंबर था, वो नंबर भी मुझे मिला नहीं, तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया था मेरे साथ में। एक्चुअली मुझे ना स्पॉन्सर मेल आया था एक, कि आपको ऐसा ऐसा है, ये स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर, ऐसा करके मेल आया था, एंड उसमें लिंक दिया हुआ था कि यहाँ पे मतलब अपने चैनल का लिंक डालो तो हम लोग एनालाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे मैंने चैनल का लिंक डाला एंड वहाँ से कन्फर्मेशन आया, दूसरे दिन देख रहा हूँ तो मेरा चैनल ही ओपन नहीं हो रहा है, सब कूल, पूरा मेल वगैरह सब करके देख लिया, बट कुछ नहीं हो रहा था। मैं पूरा एकदम बोलते ना पूरा होप हार गया था, बट मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी कोई फ्रेंड था जिसने काफ़ी हेल्प किया मेरी चैनल लाने के लिए, एंड ऑलमोस्ट मेरे को अभी 1 ईयर हो गया। एंड सबसे बोलते ना दुख वाली बात ये है कि यार मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, क्योंकि मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाला ना, तो मेरा चैनल ही बंद हो गया, डीमोनेटाइज हो गया पूरा। तभी मुझे आप लोग की बहुत हेल्प लगेगी। सो गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि जो जो ये वीडियो देख रहा है यार, अगर आप लोग सही में मेरी हेल्प कर रहे हो तो मुझे कमेंट में लिख के भेजना कि यस मैं कर रहा हूँ, या फिर खाली यस लिख देना तो भी मैं समझ जाऊँगा कि किसने किसने हेल्प किया। बस एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को सब अपने व्हाट्सएप पे शेयर करोगे और ऐसे स्टोरी लगाओगे तो इतना तो कर सकते हो ना भाई मेरे लिए, क्योंकि आप लोग का भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ। एंड क्या ही बताओ आप लोग को, ये पूरे साल भर में मेरे साथ इतना सारा चेंजेस हुआ, बहुत सारे जगह घूमने गया, बट मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं नया चैनल वापस से चालू करूँ और ये करूँ, क्योंकि यार पूरे साल की मेरी मेहनत थी, जो कि मैंने इतनी अच्छी फैमिली बनाई थी 16K का, एंड धीरे धीरे जब मेरा ऐसा चैनल देख के मेरे को पूरा डीमोटिवेट हो गया था, बट मेरा एक फ्रेंड है तौफिक नाम है उसका, जिसने मेरी बहुत हेल्प किया, उसने बोला कि भाई हिम्मत मत हार, अपन तेरा चैनल निकाल के ही देंगे कहीं ना कहीं से, तो उसका एक फ्रेंड है आईटी वाला जिसने मेरी बहुत हेल्प किया था, तो अभी जा रहे हैं हम उसी से मिलने के लिए, एंड उसने बोला ठाकुर विलेज में आ जाए मिलता हूँ, तो आज स्पेशली मैं अपने जॉब की छुट्टी लेके उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, आज मुझे मेरा चैनल मिलने वाला है। सो आप जल्दी से ये वीडियो देखोगे और लाइक करोगे, सबसे पहले अभी लाइक करो वीडियो देखते देखते, किया ना, ठीक है। सो चलो अभी फटाफट उनको जाके मिलते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अपने को छोटी वीडियो बनाना है, शॉर्ट वीडियो रखना है। सो चलो मिलते नीचे सीधा। तो गाइस, वो बोला था यहीं पे आने के लिए, दिख रहा नहीं है यहाँ पे, एंड मैं अभी उतर चुका बाइक पे, अभी चेक कर रहा हूँ कहाँ पे है। सो एक मिनट रुको, मैं मुझे कॉल कर लेता हूँ। महाशय यहाँ पे छुपे, यहाँ पे छुप के बैठे, यही है। अरे क्या भाई, व्लॉगिंग चालू कर देंगे रिटर्न वापिस, भाई तुम्हारी मेहरबानी। सो गाइस सॉरी, क्योंकि मैंने अपना सैमसंग बेच चुका हूँ और ले लिया हूँ आईफोन। भाई आईफोन ले लिए, ले भाई नवी गाड़ी ले रहे थे, भाई का चैनल जा चुका था, इसलिए भाई आज पहला व्लॉग डाल रहे होंगे मेरे हिसाब से। तुमने चेक किया कि नहीं अपना व्हाट्सएप? नहीं अभी तक तो किया नहीं, क्यों? सरप्राइज मिल चुका होगा अभी तक, देखिए कॉल आ रहा है। सरप्राइज दिया, चैनल का आईडी पासवर्ड भेज दिया भाई। सही में हो गया भाई ने ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया था, ना कुछ किया था, किसी भी लिंक पर जाके क्लिक कर दिए थे, अपना चैनल खो दिए थे, जो कि ना 4-6 महीना लग गया पहले ये बताने के लिए कि यही प्रिंस है, ये सब करने में होना ना हम लोग को जितनी मुसीबत, प्रिंस को प्रिंस साबित करने में ना उतनी मुसीबत तो हम लोग को चैनल लाने में भी नहीं हुई अभी तक। इतना खतरनाक सीन हो गया था ना गाइस, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, मुझे एक्चुअली एक लिंक मिला था। अभी चालू करेगा ना? अभी तो करूँगा, तभी वीडियो बना रहा हूँ ना। भाई ने मुझे बोला कि तू वीडियो बना, तेरा चैनल का जुगाड़ मैं करूँगा, और फाइनली मैंने वीडियो बना लिया। अभी मैं बोलता हूँ आपको डेली वीडियो देखने मिलेंगे, जितना भी कंटेंट रहेगा ना प्लीज़ आप सपोर्ट करना कि हम लोग का चैनल ना डीमोनेटाइज हो गया, बताए लोगों को अभी कुछ भी नहीं। सो गाइस, चैनल मेरा डीमोनेटाइज हो गया जैसे आपको बताया था, शायद बताया कि नहीं बताया वो भी मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैं बोलने भूल गया शायद से, क्या फिर बुला रहा हूँ। हम लोग का तो आईटी वाला फ्रेंड भी आ गया है। गाइस यही वो फ्रेंड है जिसने हम लोग की हेल्प किया था, ये रिकवर कर रहे थे। आजा आजा आजा,
सो गाइस वो थोड़ा शर्मा गया था, वापस आ रहा है, वो थोड़ा अच्छे वाले मोड पे आ गया। ये जिसने डीजे पिजन का चैनल वापस ला के दिया है। सो गाइस बिग थैंक्स टू हिम, क्योंकि इसी ने मेरा चैनल ला के दिया है, एंड ये भाई मिले नहीं रहते तो मेरा होता ही नहीं कुछ भी। अब तो हम डेली मिलेंगे। अभी तो भाई शुक्रिया आपका। सो गाइज अभी फुल सपोर्ट करना, और सब लोग अपने अपने स्टेटस व्हाट्सएप के स्टेटस पे वीडियो डालोगे और कमेंट में जरूर लिखना मुझे यस करके कि आपने सपोर्ट किया कि नहीं किया। तो फिर क्या लगता है सपोर्ट करेंगे? अरे फुल सपोर्ट। क्या लगता है सपोर्ट करेंगे? सो गाइज जरूर सब लोग पासवर्ड अभी चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी पासवर्ड तो मैंने मेरा नाम रखा है। अच्छा, अब इसको मैंने अभी आईडी पासवर्ड दिया है, तो ये आई थिंक ये एक या दो दिन में अपलोड कर देगा ना भाई? कल करूंगा। और गाइज अभी अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आएंगे, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला, मेरा जॉब छोड़ने वाला हूँ और सीधा यूट्यूब फुल टाइम करूंगा। सो अगर आप लोग ने इस पे सपोर्ट दिखाया तो ही ठीक है। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।